हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ड से आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो किसी टेलीस्कोप के बारे में नहीं है, जो किसी बाइनोकुलर के बारे में नहीं है। आपको मैं ये वीडियो लेके आया हूँ बेसिक जानकारी जो होती है टेलीस्कोप को कैसे इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से हमें अपने ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पे है और कैसे है, क्या टाइम है उसका देखने का और किस टाइम पे, मॉर्निंग में या नाइट में या जो भी टाइमिंग के साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमिंग आपको कैसे पता रहेगा आपके ऑब्जेक्ट का और आपको ऑब्जेक्ट अपना कैसे ढूंढना है। और कुछ बेसिक जानकारी है जो टेलीस्कोप बंदे यूज करना चाहते हैं, जो नए बंदे हैं जिनको नॉलेज नहीं है टेलीस्कोप के बारे में, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और जिसको एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो उनको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो अननोन है एस्ट्रोनॉमी की दुनिया से और जिनको पता ही नहीं है टेलीस्कोप लेके हमें करना क्या होता है, खाली वो अपने शौक के लिए लेते जरूर हैं पर उनको कुछ प्लैनेट वगैरह नहीं दिख पाते, दिख इसलिए पाते नहीं है दोस्तों, वो उनको ज्ञान नहीं होता उस चीज का कि कौन सा प्लैनेट कब है। उनको मून तो दिख जाता है हर किसी को, क्योंकि हमें भी आंखों से दिख जाता है मून जनरली टेलीस्कोप से। छोटा कितना भी छोटा आप टेलीस्कोप लोगे उससे भी आप मून अच्छे से देख पाएंगे और मून को हम बाइनोकुलर से भी बहुत अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। मतलब मीन्स कि अगर आप बाइनोकुलर से भी मून को देखोगे तो आपको फील आता है कि हाँ यार मैंने मून को बहुत नजदीक से देख लिया। तो इसी प्रकार बाकी प्लैनेट नहीं मिलते हैं तो वही प्रॉब्लम आती है बिगनर्स के साथ में कि मून तो देख लेते हैं वो, पर बाकी प्लैनेट उनको नहीं मिल पाते। तो वो मिलेंगे कैसे आपको, क्योंकि प्लैनेट का अगर टाइम है सुबह 5 बजे का और आप मून देख रहे हो रात में 9 बजे या 10 बजे, तब आप चाहते हो कि उसके साथ में आपको सारे प्लैनेट दिख जाए, मून भी दिख जाए, सैटर्न भी दिख जाए, जुपिटर भी दिख जाए। तो सर ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इन सब ग्रहों के अपने अपने समय होता है, डेट होती है समय के साथ में कि किस डेट में कौन सा ग्रह दिखेगा और दिखेगा के साथ में कितने बजे दिखेगा। सुबह 5 बजे भी दिख सकता है, रात को 2 बजे भी दिख सकता है, या आपको शाम को 4 बजे भी दिख सकता है, या आपको रात को 9 बजे भी दिख सकता है। तो वो आपको समय पता होना चाहिए, दिन पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से एस्ट्रोनॉमी कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि मैं ये काफी अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं इस टॉपिक पे बनाने के लिए आज आया हूं कि भाई बहुत हो गया, मेरे कस्टमर्स जो है या मेरे जो बायर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस तरीके की काफी शिकायतें मुझे सुनने में आई हैं। और जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, एक कस्टमर को काफी सारी प्रॉब्लम हुई थी और उनको ऐसा लगा कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया या हमने उनको कुछ गलत चीजें बता के उनको टेलीस्कोप बेचा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसी चीज से आज रूबरू कराने आया हूं कि भाई हमने आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ गलत बोल के आपको प्रोडक्ट नहीं बेचा है। तो जो चीजें उनको नहीं पता है उन्हीं ऐसी दोबारा से किसी कस्टमर की शिकायत हम पे ना आए, किसी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि हमने उसे ठगा है या हमने जो उनके साथ कमिटमेंट करी वो कमिटमेंट हमने कंप्लीट नहीं की है। तो उसी लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि बेसिक चीजें होती क्या है एस्ट्रोनॉमी को देखने के लिए या टेलीस्कोप को आप बेसिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, समय ज्यादा लान लंबा करते हुए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, अन्यथा मैं ऐसे ही बातें 2-4 घंटे तक करता ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरे को एक्सपीरियंस है, ऐसी शिकायतें तो हमेशा आती रहती है। तो हम इन शिकायतों से ना जाके अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं आज के, कि हमें टेलीस्कोप से कैसे शुरुआत करनी है। तो दोस्तों जो बिगनर है उनको, कुछ लोग होते हैं इस पे स्टडी कर लेते हैं कि हमें कैसे देखना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या है, कुछ लोग इससे बिल्कुल अनजान होते हैं, उन अनजान लोगों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों जैसे आपको अगर कोई टेलीस्कोप आपने खरीद लिया, चाहे टेलीस्कोप आपने छोटा अपर्चर खरीदा हो या बड़ा अपर्चर खरीदा हो, ऐसा नहीं है कि छोटे अपर्चर से आपको कुछ नहीं दिखता है, छोटे अपर्चर से भी आपको एस्ट्रोनॉमी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा कम अच्छा दिखेगा या थोड़ा कम छोटा दिखेगा, पर दिखेगा छोटे से भी। अब जैसे कि आपको मैंने लगा रखा है अपना ये पावर शिखर 50 AZ टेलीस्कोप लगा रखा है, इसको भी मैं बताता हूं अभी बेसिक जानकारी बातें। तो दोस्तों सबसे पहले जो कोई भी कस्टमर टेलीस्कोप खरीद रहा है, तो जिनको नॉलेज है उनको तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है वो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो आपको जानकारी कैसे मिलेगी, उसके लिए एक गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, स्काई मैप करके एक ऐप आता है, वो ऐप डाउनलोड कीजिए। और इसकी जो वो ऐप कैसा होता है और उसकी मैं फोटोज आपको यहाँ साइट में देखेंगे तो मैं शो कर दे रहा हूँ, इस तरीके का ये ऐप होगा। वो एंड्रॉयड मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, किस टाइम है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको ऑब्जेक्ट किधर है और आप उसको पता कर पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पहला स्टेप
कि आपको आपके ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप आसमान की तरफ करेंगे, जिस तरफ आप करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, और अगर हमारे सिर के ऊपर कोई भी प्लेनेट एक्स वाई जेड जुपिटर ही है उस टाइम पे, अगर वो जुपिटर वहां पे होगा तो मोबाइल में आपके आ जाएगा। इसी प्रकार फिर आप उसको खोज पाएंगे। वेबसाइट है जिसका नाम है indasky.org, यहाँ पे आप जाइए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ये दोनों ही चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है। एंड्रॉयड ऐप पे जाके आप स्काई मैप डाउनलोड कीजिए, और वेबसाइट पे जाके आप indasky.org पे जाके आप सारे प्लेनेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट जो है आपके वहाँ दिखेंगे, टाइम के साथ दिखेंगे, डेट के साथ दिखेंगे, किस टाइम पे किस डेट पे आपको कौन सा प्लेनेट दिखेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे गैलेक्सीज, डीप स्काइज, क्लस्टर्स, एक्स वाई जेड, जो भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जानकारी है आपको आपके ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पता चलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस डेट पे और किस टाइम पे आपको मिलेगा। तो आप वो डेट और टाइम को फॉलो करें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएंगे और अपनी एस्ट्रोनॉमी का जैसे इंजॉय कर पाएंगे। और दूसरा दोस्तों, दोस्त छोटी सी बेसिक जानकारी मैं टेलीस्कोप के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जब हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम टेलीस्कोप अपना असेंबल करने के बाद, जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो एक बार फाइंडर स्कोप से उसको फोकस करें। जब वो फाइंडर स्कोप के सेंटर में आ जाए तब आप अपना आईपीस से देख सकते हैं। 50% आपको आईपीस में दिख भी जाता है, अगर नहीं भी दिखता है तो आप इसको मैनुअली लेफ्ट राइट अप डाउन करके देख लेते हैं। फाइंडर स्कोप का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के और ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, जिससे आपको यहाँ से फिर मैनुअली ढूंढने में आसानी होती है। अब दोस्तों अगर हम मानते हैं कि हमारे पास मून भी है, मून के राइट में अपना सैटर्न है, लेफ्ट में जुपिटर है, और हमें आपको तीनों प्लैनेट देखने हैं, तो दोस्तों अगर आप एक साथ जाओगे और सोचो कि जुपिटर पे हमें देखना है तो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल होगा ढूंढने में। अगर आप मून पे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि मून बहुत बड़ा होता है, आप उसको बहुत जल्दी से ढूंढ सकते हैं। मून को आपने अगर ढूंढ लिया, उसके बाद लेफ्ट राइट में जो प्लैनेट है उसको आप आसान तरीके से ढूंढने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि अपने मून एक सेंटर पॉइंट है, उसके लेफ्ट में कोई प्लैनेट है तो आप अपने टेलीस्कोप को थोड़ा सा लेफ्ट धीरे धीरे करें, एंड उसके बगल में अगर कोई राइट में है तो थोड़ा सा राइट या लेफ्ट करें, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो यही कहना चाहूंगा कि जो ब्राइटर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपका, सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद में जो आपको डीप में जाना है तो उसके जरिए आप डीप में जाएं, तो आपको मदद मिलेगी ढूंढने में। तो दोस्तों आप समझ रहे हो, मैंने सिर्फ इस वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो मेरे नए एस्ट्रोनॉमी के शौकीन दोस्त हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा समस्या ना हो। सारी जानकारी मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतने महंगे महंगे टेलीस्कोप खरीदते हैं दोस्तों, अगर 10,000 का भी टेलीस्कोप है, 5,000 का भी टेलीस्कोप है, तो हम लोगों के लिए महंगा ही है। किसी के लिए 5,000 महंगे होते हैं, तो किसी के लिए 2,000 भी महंगे होते हैं, किसी के लिए 10,000 भी महंगे होते हैं। तो इतनी कॉस्टली चीज़ आप खरीद रहे हैं और आप 10 दिन 15 दिन 7 दिन वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो आपके अंदर जो इंतजार का पेशेंस होता है, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए आप। और ना ढूंढ पाने का एक रीजन क्या है कि आपको थोड़ा सा जानकारी नहीं है इसके विषय में कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, क्यों दिखेगा। तो वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं कि सबसे पहले एक स्काई मैप है जो एंड्रॉयड मोबाइल स्टोर के कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल पे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं। दूसरा हमारा है जो indasky.org एक वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, आप यहां पे जाके अपना ऑब्जेक्ट को जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था। और अगर आपको जैसे कि ये टेलीस्कोप्स हैं, तो आपको अगर टेलीस्कोप खरीदने का मन है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बहुत ही किफायती रेटों पे हम आपको टेलीस्कोप प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास ब्रांडेड टेलीस्कोप होते हैं, खाली उसकी पैकिंग खराब होती है, वो हम मार्केट प्राइस से आपको 2,000-3,000 रुपए कम में दे देते हैं। जैसे कि मानो कोई 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस जो है उसका 10,000 रुपए है, तो हमारे पास खाली उसकी बॉक्स की पैकिंग खराब होती है और हम उसको आपको 10,000 वाला 6,000 में भी दे देते हैं, 7,000 में भी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक टेलीस्कोप मैं आपको देख ही रहे हैं, इसमें आपको कोई कमी दिख रही नहीं दिख रही, बिल्कुल ब्रांड न्यू देख रहे हो आप। ऐसे ही टेलीस्कोप सारे होते हैं हमारे पास जो कि आपको बहुत ही किफायती रेट में मिलते हैं, सबकी कंडीशन इसी प्रकार कुछ हद तक होती है, 99% तो वो नए ही होते हैं। तो अगर आपको टेलीस्कोप खरीदने के शौकीन है और आप चाहते हैं कि हम एस्ट्रोनॉमी के लुफ्त उठाएं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बहुत ही किफायती रेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीस्कोप। या बाइनोकुलर्स चाहिए आपको, बाइनोकुलर्स भी, स्पोटिकोस्कोप चाहिए आपको, स्पोटिकोस्कोप। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल
पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की नई नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे हमारी वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।